यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसकी चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना, और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो, और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर, अर्थात दोनों की पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों में सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश के प्रधान की यही निज भूमि हो, और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सज्जा तराजू, सज्जा एपा और सज्जा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का दसवा अंश समाए। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो, और शेकेल 20 गेरा का हो, और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का छठवां अंश और जव के होमेर में से एपा का छठवां अंश देना, और तेल का नियत अंश कोर में से बत का दसवां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात एक होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है, और इसराइल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200-200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ व बकरी दे दी जाए। वे सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर्वों, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लोहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के सातवें दिन को सब भूल में पड़े हुए और भोलों के लिए भी यू ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे, और पर्व के 7ों दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हरेक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेंढे और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे, और
हरेक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्नबलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। सातवें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्नबलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करें।